मैं मौलाना शफकत तकी, राष्ट्रीय महासचिव पीस पॉइंट। आज किस तरह का ये कार्यक्रम, क्या किया जा रहा? आज हमारे जिले के तमाम सहयोगी दल के अध्यक्ष यहाँ इकट्ठा हुए हैं मुनव्वर अली को विधानसभा मऊ में जिताने के लिए और अपनी पार्टी के जरिए समर्थन देने के लिए। सब लोग यहाँ हाजिर हुए हैं। किस किस दल के लोग हैं इसमें? जाहिरन है पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जो और पार्टियाँ तकरीबन 17-18 पार्टियाँ हैं, लेकिन यहाँ नुमाया तौर पर जो आज मऊ में हमारे अध्यक्ष आए हुए हैं वो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं, MIM के अध्यक्ष जी और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, ये सारे लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और इसके अलावा भी और जो सहयोगी दल हैं यके बाद दिग्रे हमारे साथ आकर। मैं दिनेश मौर्य, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी जनपद मऊ। देखिए, हम लोग का जो ये अलायंस हुआ है अभी पीस पार्टी के हमारे बताए हैं, ये लड़ाई हमारी हक और हिस्सेदारी की लड़ाई है। और इस देश की जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसे बचाने की हमारी लड़ाई है। आप मीडिया के लोग हैं, आप बखूबी जान रहे हैं कि सपा और भाजपा हमारे हिसाब से दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। और आज महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जो मुद्दे हैं वो मुद्दे सपा और भाजपा दोनों से हट चुके हैं। आप लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी का अभी घोषणा पत्र आया, उसमें जातिगत जनगणना की बात नहीं की गई। हमारा जो अलायंस बना हुआ है इसका पहला नारा ही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हम मऊ में जन अधिकार पार्टी, चूंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का ये है कि जहां पर पीस पार्टी के हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं वहां पर जन अधिकार पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाएगी और हम पीस पार्टी को वहां सपोर्ट करेंगे। मैं मोहम्मद अजमल अंसारी, जिला संगठन मरकली, MM। अच्छा, किस तरह का कार्यक्रम आज किया जा रहा है? आज ये कार्यक्रम है जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं मुनव्वर अली साहब, उनके सपोर्ट में कई पार्टियां आई हुई हैं और जिसमें MM है, जन अधिकार है और भीम आर्मी पार्टी और कई दिगर पार्टियां हैं जो इनके सपोर्ट में आई हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ये एक ज़मीनी नेता है और ये मैं खुद देखता रहा हूँ कि ये कई बार पुलिस की लाठी भी खा चुके हैं कई CA में, मामले में, बहुत से मामलों में, जबकि बहुत से नेता जो हैं कभी हाजिर नहीं रहे हैं, पब्लिक के लिए कभी जेल नहीं गए, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आते हैं, लोगों से मीठी मीठी बातें करते हैं, लोगों को छलते हैं, इलेक्शन में जीतते हैं और जीत के चले जाते हैं, फिर 5 साल बाद आते हैं और जब उनसे मीडिया सवाल करती है कि आप 5 साल तक कहाँ रहे, तो वो कहते हैं कि आप मेरे और पब्लिक के बीच में ना आए, मैं पब्लिक को ठग लूंगा, आप बीच में ना आए। उनका कहने का मतलब ये होता है कि हम क्यों अखिलेश से हम बगावत इसलिए करते हैं कि अखिलेश की पार्टी में जो भी मुसलमान है, जब तक अखिलेश यादव या मायावती की पार्टी में जो भी मुसलमान है, जब तक अखिलेश यादव या मायावती नहीं चाहेंगी वो पार्लियामेंट में मुसलमानों के हक में नहीं बोल सकते हैं। अगर वो बोलेंगे तो उनको वहां पार्टी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बहुत सी दिगर मुसलमानों को हमने देखा है कि जो मुसलमानों के हक में बोला है उसको पार्टी से निकाल दिया गया। इसलिए मैं आज इस पार्टी के फेवर में हूं। मैं भी कोई राजनीति में कोई हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन आज मैं ये देख के कि अगर मुसलमानों के फेवर में कोई बोलता है, उनके जो आका है, उनके जो सदर है, वो उनको बोलने नहीं देते, वो लिख के देते हैं कि मुसलमानों के फेवर में तुमको यही बोलना है, इससे ज्यादा तुमको नहीं बोलना, अगर बोले तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। इसलिए हम अपनी खयादत चाहते ताकि हम पार्लियामेंट में खुद बोल सके। मैं मुनव्वर अली है और मैं जो है यहाँ से जो प्रत्याशी हूँ पीस पार्टी से, और ये मुक्ति मोर्चा का समर्थन है, तमाम जो हमारे सहयोगी दल है, मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे यहाँ जो है भीम आर्मी जिला अध्यक्ष जी मौजूद है, हमारे यहाँ जो है MIM से जो है मौजूद है, हमारे यहाँ जो है जन अधिकार पार्टी से मौजूद है, हमारे यहाँ जो आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी भी आ गए, मैं स्वागत उनका करता हूँ। सभी लोगों का जो है मैं खैर मकदम करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोट से हमको जिताएंगे आप लोग, फिर विरोध जनता हमें जिताएगी, मुकाबला किसी से नहीं है। जो मैं संघर्ष किया हूँ उसके बलबूते हम बोल रहे हैं और मैं लोगों की लड़ाई लड़ा हूँ। मैं जो है जनता को जनता नहीं समझा, अपना भाई, अपना भतीजा, अपना जो है बहन, अपनी माँ समझ के जो है लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, हमें जनता के दर्द से मतलब है, जनता को दर्द नहीं होना चाहिए, उसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। मुख्तार ने सीट आखिर क्यों छोड़ दिया, क्या लगता है? मुख्तार तो दूर दूर तक पता नहीं, डर का हार है, जमानत जब्त होगी इस बार। आपसे डर गया क्या? बिल्कुल डर रहे हैं, नहीं तो आवे मैदान में लड़े वो।
या परवान को है। उनके लोग कहते हैं कि योगी से नहीं डरे तो मुख्तार किस चिड़िया का नाम? कौन योगी से नहीं डर रहा है? योगी जी का संरक्षण है, मोदी जी का संरक्षण है। हम लोग जेल में जाते हैं तो खटमल पे वो बस आता है, वो जाते हैं तो एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, टॉप वीआईपी व्यवस्था उनका रहता है। नहीं, योगी जी ने तो गाड़ी पलटवाने की पूरी व्यवस्था कर ही दी थी, लेकिन कोर्ट का एक फैसला आया कि आपको सुरक्षित ले। वो सब हाईलाइट किए हैं योगी जी, मोदी जी और उसको हाईलाइट किए हैं, पूरा हिंदुस्तान जान गया कि मुख्तार अंसारी जो है मऊ जिला का रहने वाला है, ये सब योगी मोदी का संरक्षण है, उसी में पल रहे हैं वो। मैं सुमंत्राव भास्कर, भीम आर्मी मंडल अध्यक्ष आजमगढ़ में। तो बहुत लोग शामिल, बहुत पार्टियां शामिल हैं और नतीजे बहुत बेहतर आने वाले हैं। अब ये सोचे कि मनोहर भाई मुर्गा बेचते हैं तो डर के भाग जाएंगे, नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े मैदान में उतरे हुए लोग हैं और मनोहर भाई का हम लोगों ने भरपूर समर्थन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से भरपूर समर्थन है और हम कोशिश करते हैं कि इनको गांव गांव जन जन तक पहुंचा के छोड़ेंगे। और जनता का राय बन चुका है कि हमको वैसा विधायक चाहिए जो जनता के बीच में रहने वाला हो, जेल में रहने वाला विधायक हमको नहीं चाहिए, अपराधी नहीं चाहिए। चंद्रशेखर रावण भी आएंगे क्या इनके प्रचार में, स्टार प्रचारक? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल आने वाले हैं, बस पर्चा दाखिला इनका कंप्लीट हो जाए और इनके प्रचार में चंद्रशेखर भाई से लेकर के और तमाम जो राष्ट्रीय लेवल के व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय लेवल के लीडर हैं, सब लोग आएंगे। तो इतने बड़े बाहुबली को शिकस्त दे पाएगा आपका प्रत्याशी? बाहुबली हम लोगों के इनके सामने जाए, हम लोगों के सामने बाहुबली का मतलब क्या होता है? बाहुबली का मतलब क्या होता है बता दें, आप बताइए। नहीं, आप बताइए, बाहुबली पूछे आप तो आप बता दें, आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं बाहुबली कौन है? बाहुबली का मतलब डरा करके आप वोट ले लेंगे क्या? धमका करके वोट ले लेंगे? वो डरा धमका के जीतते थे मतलब? तो आप बोले हैं बाहुबली, भाई आप पत्रकार हैं, आप ही बोले बाहुबली, मैंने नहीं बोला बाहुबली। आप मतलब तो आप क्या, आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है, बाहुबली नहीं है क्या वो? वो बाहुबली जनता के लिए बाहुबली है, हमारे लिए बाहुबली नहीं है। अच्छा, नहीं आप भी मुख्तार को सपोर्ट करते हैं? क्यों, मैं क्यों करूं? गुंडे बदमाश को हम लोग सपोर्ट करेंगे? तो अभी आप गुंडा बदमाश भी कह रहे हैं, कह रहे हैं बाहुबली नहीं है, तो आपकी बात में जब आप बोले हैं बाहुबली तो मैंने बोल दिया, गुंडे बदमाश ही तो बाहुबली हो सकते हैं। तो ये मनोहर भाई की मैं बात कर रहा हूँ, मनोहर भाई का व्यक्तिगत व्यवहार जनता के बीच में है, प्यार है, मुस्लिम समाज पूरा हमको लगता है कि 80-90% मनोहर भाई के साथ है और मुस्लिम समाज के साथ हम खड़े हैं, दिन रात खड़े रहेंगे और किसी भी शोषण अत्याचार में हम मनोहर भाई के साथ साथ मुस्लिम समाज के साथ खड़े रहेंगे। जाति जनजाति का वोट किधर जाएगा? दलित वोट किधर जाएगा? दलित वोट पूरा मनोहर भाई को जा रहा है। हमारा जो अलायंस है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और राजभर जो है बसपा के प्रत्याशी, हम दूसरे के बात नहीं कर सकते, वो लोग टिकने वाले नहीं है। हम लोग जमीनी स्तर पे काम किए हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने जमीन स्तर पे काम किया और एक एक कार्यकर्ता जमीन से उठ करके और यहाँ पे खड़ा है, जितने भी कार्यकर्ता है सब जमीन स्तर के हैं और जमीन जिनकी मजबूत होती है वो कभी गिरते नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। खबरें पसंद आई हूं तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और यह हमारे फेसबुक पेज को अगर आप देख रहे हो तो अगर फेसबुक पेज देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें फॉलो करें और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो हमारे सब्सक्रिप्शन का बटन दबा के नोटिफिकेशन वाला बटन दबाएं ताकि आपको ताज़ा खबरों से अपडेट किया जा सके।